हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मनीष यादव। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं और यही उम्मीद है कि आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छे से बीते। और सुबह के अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं नहाकर आ गई हूँ, रेडी हो रही हूँ क्योंकि पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फर्स्ट डे तो मैं जल्दी उठी हूँ और अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अपनी लगा रही हूँ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाने के बाद अभी मैं लगा रही हूँ हल्की सी बीबी क्रीम, क्योंकि मुझे डेली में ये बहुत सही लगता है और कोई हैवी मेकअप करना नहीं है, इस वजह से मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो बीबी क्रीम लगा रही हूँ मैं अभी। उसके बाद यूज़ किया मैंने अपना कॉम्पैक्ट शुगर का और मुझे ये बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है इस समय। और लास्ट में लगाई मैंने अपनी लिपस्टिक जो कि मेरी फेवरेट है शुगर की, ये रेड कलर की, बहुत प्यारा कलर है इसका, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे जब कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं यही लगा लेती हूँ। और फाइनली मेरा मेकअप हो गया है जो भी थोड़ा बहुत मुझे करना था, और मैं अभी गले में और कान में जो मैंने पहन रखा है मैं वही पहनी रहूँगी क्योंकि मैं डेली में पहनती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी और ये चूड़ियाँ मैंने पहले ही डाल ली थी। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं लगाऊंगी नेल पेंट। मैंने सोचा था कि एक दिन पहले ही लगा लूँगी पर मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से मैं नहीं लगा पाई थी। तो मैं अभी जस्ट फटाफट जल्दी जल्दी मैं लगा रही हूँ। और मैं नीचे आई तो माँ भी नहाकर रेडी थी और माता रानी को वस्त्र वगैरह पहना रही थी। मंदिर हम लोगों ने एक दिन पहले ही डेकोरेट कर लिया था, उसको सजा लिया था। देखिए कैसा लग रहा है मेरा छोटा सा मंदिर। और फिर मैं भी माँ के साथ बैठ गई और जो उनको हेल्प चाहिए थी मैंने वो सब की। मेरे लड्डू गोपाल, उनको मैं नहला के मैंने वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। और अभी मैं आम के जो पल्लू होते हैं उसमें टीका कर रही थी हल्दी और होली से, उसके बाद ही इसको कलश में रखा जाता है, तो वही मैं टीका लगा रही थी। और माँ सारी तैयारियां कर रही थी बाकी पूजा की। और अब जस्ट कलश की स्थापना होगी, कलश की स्थापना करके उसके बाद माँ पूजा करेंगी पहले। और ये जल गया मेरी माता रानी का दीपक, जय माता दी। तो माता रानी आप सभी लोगों पे, मेरे परिवार पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। अभी माँ पूजा कर रही थी, उनको टाइम लगेगा पूजा करने में क्योंकि पाठ वगैरह करना है उनको। तब तक मैं ऊपर आई क्योंकि अनाया मेरी उठ चुकी थी, तो उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके बुला लिया था और मैं आई ऊपर। तो मैंने सोचा तब तक मैं ऊपर पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी पूजा नीचे ही होती है, लेकिन जब मैं नोएडा में थी अनाया के पापा के साथ, तो वहाँ पर मैंने माता रानी रखी हुई थी, उनकी पूजा करती थी मैं। तो जब वहाँ से मैं यहाँ शिफ्ट हुई, वापस आई, तो मैं उनको लेकर आई थी साथ में और मैंने अपने ऊपर फ्लोर पे रख दिया था उनको। तो जस्ट मैं उनको नवरात्र में उनके वस्त्र वगैरह चेंज कर देती हूँ और ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत सजा देती हूँ नवरात्र में, और माता रानी को दीपक जला देती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। नहीं तो जहाँ रखी हुई है वहाँ पे बहुत सूना सूना सा लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ऊपर भी दीपक जला देती हूँ। तो मैंने सोचा कि तब तक यहीं पूजा कर लेती हूँ, माँ नीचे अभी कर रही हैं। तो
और फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद मैंने अनाया को दूध दिया और उसको रेडी करके मैं नीचे लेकर गई उसको, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी अभी। तो अनाया जाके सबसे पहले तो अपनी दादी की गोद में बैठ गई, क्योंकि दादी उनकी पूजा कर चुकी थी तब तक, बाबा जो हैं वो पूजा कर रहे थे, तो मैं जस्ट वेट कर रही थी कि वो पूजा कर लें, तो फिर मैं पूजा करने बैठूँ। और उसके बाद फिर मैंने भी पूजा की, क्योंकि सप्तशती का पाठ करती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, फिर मैंने अपनी पूजा शुरू की। मुनि पूजिता ब्रह्मानी महेश्वरी आंध्री कुमारी वैष्णवी चामुंडा वाराणी लक्ष्मी। और पाठ ख़त्म करने के बाद फिर मैंने और अनाया के पापा ने आरती की साथ में। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, अनाया के पापा का भी फास्ट है आज, तो बहुत अच्छा लगा, हम दोनों ने साथ में ही आरती की और माँ का आशीर्वाद लिया। और मेरी माँ का छोटा सा ये दरबार कैसा लगा आप सभी को, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूजा करने के बाद फिर मैंने और अनाया के पापा ने प्रसाद खाया जो चढ़ाया था मंदिर में, ये व्रत में खा सकते हैं, तो जस्ट हम लोगों ने प्रसाद खा के पानी पिया और चाय वगैरह पी मैंने, माँ ने और इन्होंने सबने साथ में बैठकर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे आलू वगैरह चढ़ाना था। वैसे तो मुझे और मेरी माँ को सासू माँ को ज़रूरत नहीं होती है दोपहर में कुछ खाने की, लेकिन अनाया के पापा फास्ट थे हैं तो उनके लिए कुछ मुझे बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा आलू चढ़ा देते हैं। और मेरे पापा जी का व्रत नहीं है तो उनके लिए खाना भी बनना है, इसके लिए तो जस्ट मैं अनाया के लिए अभी मैंने आलू चढ़ाए हैं और अनाया के लिए मैं खिचड़ी डालूँगी, क्योंकि उसको पसंद है, वो खा लेती है अच्छे से, तो मैं उसके लिए खिचड़ी बनाऊँगी। और अनाया बार बार मेरे पास आ रही थी, उसको कुछ चाहिए था शायद इस वजह से, और उसको गोदी आना था, जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो उसको आना ही होता है माँ के पास। और वो फ़ोन ऑन था तो उसको देख के बोल रही थी। जय माता दी कर दो, जय माता दी, जय माता दी, जय छिया राम, जय छिया राम। उसके बाद अनाया अपनी दादी के साथ बिज़ी हो गई खेलने में, और मैं इधर थोड़ा सा आटा सान रही थी, क्योंकि पापा के लिए रोटी या पराठा जो भी बनना है तो वो बनेगा उनके लिए, तो मैंने सोचा कि फटाफट अपना जो भी काम है किचन का वो फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो बस मैं वही उसी किचन में अपने काम में लग गई। गाइज़ नवरात्र में एक अलग ही एनर्जी होती है ना, हम व्रत भी होते हैं उसके बावजूद भी हमें थकान महसूस नहीं होती है, ऐसा पता नहीं मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, आई थिंक सभी के संग होता होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी इतनी होती है घर में और सब माता रानी की कृपा होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये नवरात्र के 9 दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलते हैं। तो गाइज़ मैं अपना ये व्लॉग यही पे एंड करती हूँ, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अपना प्यार दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।